नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों। देखभाल के अभाव में गर्भवती महिला की हुई मौत। बीएमओ ने कहा हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी जिसका इलाज जबलपुर में कराने को कहा गया था। मंडला निवास शासकीय अस्पताल में गर्भवती महिला की मृत्यु का मामला सामने आया, जहां दोपहर को एक गर्भवती महिला को भर्ती कराया गया जिसकी दोपहर लगभग 12:40 में मृत्यु हो गई। खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय पैगवान ने बताया कि पूर्व में भी महिला जांच कराने आई थी, लेकिन हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने के कारण जबलपुर में इलाज कराने की सलाह दी गई थी, जिसकी डिलीवरी की तारीख 21 नवंबर थी। बता दें कि अगर किसी गर्भवती महिला को खून की कमी है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, या वह डायबिटीज मधुमेह से पीड़ित है, इसके अलावा पूर्व में ऑपरेशन से डिलीवरी हो चुकी है, तो ऐसी महिलाओं को हाई रिस्क प्रेगनेंसी HRP की श्रेणी में रखा जाता। आज करीबन 12:40 पर एक महिला शशि घोटिया नाम की आई थी, जिसे सिस्टर के द्वारा भर्ती किया गया था और उसकी जांच भी की गई थी। उस वक्त वो नॉर्मल थी। पूर्व में एक आध महीने पहले मेरे पास आई थी, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आई थी, तो मेरे द्वारा उसको जोधपुर जाकर के जांचें करवाने के लिए और उसका ब्लड प्रेशर वगैरह की दवाइयाँ चालू की गई थी। और जचकी का समय उसका जो है 31/11 का था, परंतु अचानक से आज उसे दर्द उठा और उसे भर्ती कराया गया था। भर्ती करने के लगभग 20 मिनट के बाद में उसको जो है अचानक से गश्त आ गया और मुँह से फसूकर वगैरह छोड़ने के बाद में और काफ़ी प्रयास करने के बाद में उसकी मृत्यु करीबन 1:40 पर हो गई। बच्चा डिलीवर नहीं हो पाया था जी। लेबर पेन में नहीं थी, वो एब्डोमिनल पेन से आई थी। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।